मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के मुख्य आतिथ्य में कृषकों और श्रमिकों को न्याय योजनाओं, श्रमिक योजनाओं की राशि का वितरण किया गया है। इस मौके पर बलौदाबाजार भाटापारा जिले में 266 करोड़ रुपए के 264 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया गया है। इसके अलावा 176 करोड़ रुपए के 150 कार्यों का लोकार्पण और 90 करोड़ की राशि के 114 विकास कार्यों का भूमि पूजन भी शामिल है। सम्मेलन में 1,02,889 हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 55,76,26,000 रुपए की राशि का वितरण किया गया है। इनमें छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा मंडल के 2,881 हितग्राहियों को 3,86,000 रुपये, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल के 3,236 हितग्राहियों को 1,65,00,000 रुपये और छत्तीसगढ़ भवन सहित अन्य निर्माण कर्मकार मंडल के 96,772 हितग्राहियों को 50,24,00,000 रुपये की राशि का वितरण किया गया है। मणिपुर के बारे में तो कांग्रेस पार्टी अपनी जो कोशिश करना था वो पूरी कर रही है। खुद राहुल गांधी जी के हमारे पार्टी से थे और इंडिया पार्टी से भी कम से कम 31-32 MP वहाँ पर जाकर आए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर अब तक जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर हर जगह जाते हैं जहाँ वोट का प्रचार और वोट लेने के लिए, लेकिन मणिपुर क्यों भूल गए? क्या रीजन है, क्या डर है, ये सब जनता उनको पूछना चाहिए। हम तो पूछ रहे हैं, इस सवाल का वो जवाब नहीं दे रहे और सिर्फ दुनिया की बातें करते हैं, लेकिन अपने घर में क्या हो रहा है और मणिपुर में क्या हो रहा है और हर जगह जो क्या आज इन्फ्लेशन का है, अनएम्प्लॉयमेंट का है, किसानों एग्रीकल्चर में बहुत ही रिसर्च करके एक ग्रीन रेवोल्यूशन जो इस देश में लाए। इंदिरा गांधी जी के साथ उन्होंने बहुत काम किया और मैं जब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मंत्रालय